Exercise example 3.21. Determine the current drawn from a 12 volt supply with an internal resistance 0.5 ohm by the following infinite network. Each has 1 ohm resistor. As you see, this is a circuit network, right, which is infinitely long, right? It is a ladder type connection. Now the voltage is 12 volt, right? Supply is 12 volt, having internal resistance of 0.5 ohm. Fair? So this is the internal resistance here. अब देख सकते हैं जैसे ये network जो है वो infinite long है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर हम point लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप point मान लीजिए, ये P है, यहाँ पर आपके लिए ये Q point है. तो infinite connection के लिए इनके यहाँ infinite connection से लेकर P PQ पॉइंट तक मान लीजिए x ओम रजिस्टर है. कितना ओम रजिस्टर है? x ओम. क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो देखिए इनफिनाइट से लेकर PQ पॉइंट तक का इक्विवेलेंट कितना निकला? x ओम. तो ये मेरे लिए x ओम है, ठीक है? देखिए ये किसके साथ कनेक्टेड है? एक लैडर कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होगा, राइट? इस तरह से जो हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली, राइट? ये हमारे लिए ए और बी पॉइंट है, राइट? यहां पर ये 1 ओम है, 1 ओम और 1 ओम. क्लियर? इस तरह से. तो आप देख सकते हैं अगर इनफिनाइट कनेक्शन तक का नेट इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट एक्स ओम आ रहा है, ठीक है? तो उस इनफिनाइट इक्विवेलेंट का नेटवर्क का इक्विवेलेंट एक्स ओम जो है उसके साथ अगर आप एक लूप एक लैडर और कनेक्ट कर देंगे तो भी उसके इक्विवेलेंट में कोई चेंज बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा, राइट? तब क्या होगा? देखिए इनका इक्विवेलेंट बनाने पर, राइट, इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाने पर ये सर्किट जो है कुछ बहुत ज्यादा सिंपल बन जाएगी, कुछ इस तरह से. देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलली कनेक्टेड है. तो पैरेलली कनेक्ट होने का मतलब क्या होगा? देखिए ध्यान से, अगर इनका इक्विवेलेंट में मान लू आर डैश है तो क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब एक्स वन बाई और नीचे एडिशन ऑफ टू एक्स प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बाई एक्स प्लस वन, राइट? तो ये मेरे लिए इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा. तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगी वो कैसे बनेगी? देखिए यहां पर सिर्फ एक रजिस्टर आ जाएगा सीरीज विद अदर टू 1 ओम रजिस्टर. देखिए यहां पर ये 1 ओम रजिस्टर है, 1 ओम रजिस्टर है, और ये वाला जो रजिस्टर है वो आपके लिए R dash is equal to x by x plus 1, राइट? ठीक है? देखिए अब यहां A और B के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा? देखिए A और B के बीच में भी इक्विवेलेंट x ओम ही रहेगा. मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट PQ तक के लिए x ओम लिया है, ठीक है, अगर ये पॉइंट PQ तक के लिए हमने x ओम लिया है तो उसमें एक और लैडर कनेक्ट कर देने से उसके इनफिनाइट इक्विवेलेंट में कुछ फर्क नहीं आएगा. मतलब यहां पर भी इक्विवेलेंट कितना रहेगा? x ओम ही रहेगा. तो यहां पे अपन लिखेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट PQ इज x ohm, clear? Then by another one ladder loop makes no difference in the equivalent of infinite network, in the equivalent of infinite network, clear? That is, इसका मतलब क्या होगा? देखिए आप यहां पर इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट ऑफ ए बी बीच में निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए ये तीनों रजिस्टर हमको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से 1 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, क्लियर? अब देखिए ये जो रजिस्टर है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, हमने कितना इमेजिन कर रखा है? एक्स इमेजिन कर रखा है. तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1 होगा. आप इसे सोल्व कर दीजिए, क्या होगा?
यहाँ पर ये टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस इज टू एक्स प्लस टू प्लस एक्स। क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ये टर्म क्या बचेगा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे देखिए रूट टर्म का, तो इट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ओ माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल बाई टू आई से। देखिए एक्स इज इक्वल टू, देखिए बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, देखिए यहाँ पर तो वो माइनस टू है आपके लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस टू प्लस ओ माइनस रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा फोर माइनस फोर ए, ए क्या है आपके लिए वन है, आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन है, और सी क्या है आपके लिए माइनस टू होल बाय ट्वाइस ऑफ ए मतलब वन। इसे सॉल्व कीजिए क्या होगा, ये यहाँ पर क्या आएगा टू प्लस ओ माइनस रूट फोर प्लस एट, देखिए माइनस माइनस प्लस तो फोर टू जो एट प्लस फोर ट्वेल्व बाई टू, राइट, ये एक्स इज इक्वल टू आया। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू दिस इज वन प्लस ओ माइनस रूट थ्री आएगा, राइट, वन प्लस ओ माइनस रूट थ्री ये एक्स की टर्म होगी। आपको एक बात पता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल, राइट, अगर वन से माइनस 1.73 करेंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो कभी भी रजिस्टर नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर क्या होगा, आप इसे सिंपली एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री लिखेंगे जो आपके लिए हो जाएगा 2.732, राइट, तो 2.732 ओम हो जाएगा। देखिए अब हम करंट फाइंड करना चाहते हैं, अब देखिए यहां पर आपके लिए सप्लाई ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, और एक्सटर्नल इक्विवेलेंट कितना निकला है हमारे पास 2.732 वोल्ट, राइट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिए करंट I इज इक्वल टू क्या होगा दिस इज एप्सिलॉन बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन क्या है आपके लिए इट इज 12 वोल्ट आपको दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2.732 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, इसे कैलकुलेट कीजिए कितना मिलेगा आपको आंसर, देखिए ध्यान से इट इज 3.713 ओम एम्पियर, राइट, तो ये आपके लिए करंट हुआ आपके लिए I इज इक्वल टू 3.713 एम्पियर, क्लियर।